वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास यूकेजी की राइटिंग बुक हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज हम थे पेज नंबर 73 पर। तो देखिए काउंटिंग, काउंट एंड राइट हाउ मेनी ऑफ दिस आर देयर इन द गार्डन, मतलब हमें यहाँ पर काउंट करना है सारी चीज़ों को। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, अब हम काउंट करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर पेड़ दिया गया, तो अब यहाँ पर पेड़ काउंट करेंगे। पेड़ कितने, देखिए कितने पेड़ हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 पेड़ है तो 9 आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दी गई है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई कितनी है अब हम वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितनी बटरफ्लाई है, 4, तो 4 बटरफ्लाई दी गई तो यहाँ 4 लिखा जाएगा। और अब यहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखिए सन यानी सूरज कितना, एक ही है, देखिए एक, तो यहाँ पर हमें 1 लिखना है। अब हम आते हैं चिड़िया, तो देखिए चिड़िया कितनी हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब हम आते हैं चिल्ड्रन यानी बच्चे कितने, तो 1 2, यहाँ पर 2 आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर फ्लावर यानी कि फूल कितने हैं, तो हम वो काउंट करेंगे कितने फूल हैं हमारे पास, है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16, और आप भी काउंट करिए, 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ कितने हैं 17, तो यहाँ पर हम 17 लिखेंगे। अब हम आते हैं बिफोर बिटवीन आफ्टर, तो बिफोर बिटवीन आफ्टर हम तीन चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए राइट देन नंबर इज द सर्कल, तो देखिए इट जस्ट बिफोर 5, मतलब 5 के पहले क्या है, तो 5 के पहले आता है 4, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। इज बिटवीन 3 एंड 5, मतलब 3 और 5 के बीच यानी बिटवीन, बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4। इच इज जस्ट आफ्टर 6, मतलब आफ्टर 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 7। तो देखिए यहाँ पर 6 के बाद क्या आता है, 7। अब इज जस्ट बिफोर 2, मतलब इसके बिफोर यानी कि 2 के पहले क्या आता है, 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। इज जस्ट बिफोर 6 के पहले क्या आता है, 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। इज जस्ट आफ्टर 7, तो 7 के बाद क्या आएगा, आफ्टर यानी बाद में, तो 7 के बाद आएगा 6, तो यहाँ पर 6। इज जस्ट आफ्टर 8, अब आफ्टर 8, अब 8 के बाद क्या आएगा, तो 8 के बाद आएगा हमारा 9। अब देखिए इज बिटवीन 7 एंड 9, मतलब 7 और 9 के बीच में क्या आएगा, तो 8, यहाँ पर 8 आएगा। इज जस्ट बिफोर 8, मतलब 8 के पहले क्या आएगा, 7, यहाँ पर 7 आएगा। इज जस्ट आफ्टर 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। इज जस्ट आफ्टर 2, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3। इज बिटवीन 2 एंड 4, मतलब 2 एंड, मतलब 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, तो 3, तो यहाँ पर आएगा 3। इज बिटवीन 5 एंड 7, तो 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, तो 5 और 7 के बीच में आएगा 6, तो यहाँ पर आएगा 6। इज जस्ट बिफोर 9, मतलब बिफोर पहले, 9 के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 8, तो यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, उसके बाद करना है जो मैंने आपको बिफोर बिटवीन आफ्टर तीनों के बारे में बता दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें किस तरीके से करना है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी हम जैसे पेड़ काउंट करेंगे कितने हैं, चिड़िया काउंट करेंगे, बटरफ्लाई, चिल्ड्रन, सन, सूरज, फ्लावर, सब काउंट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए काउंटिंग, सारी चीज़ें काउंट करना है हमें। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए मैच द
सॉरी मैच कलेक्शन विथ नंबरेल्स एंड नंबर नेम, मतलब अब देखिए अब हम यहाँ पर पहले काउंट करेंगे फिर इन्हें मैच करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इस तरीके से दिया, यहाँ पर 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 दिए गई है आइसक्रीम, तो हम यहाँ पर देखेंगे 9, तो ये देखिए 9 और यहाँ पर एन आई एन ई 9, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मिलाना। तो अब हम देखते हैं ईस एक अंडे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं, 7। तो पहले यहाँ पर हम 7 पे मिलाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आएगा 7 पे। अब देखिए अब हम यहाँ ढूंढते हैं एस ई वी ई एन 7, तो ये रहा एस ई वी ई एन 7 यहाँ पर मिलेगा, तो इसका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, 1 2 3 4 5 5 फ्लावर है, तो आप देख सकते हैं 5, तो ये देखिए यहाँ पर 5, इस तरीके से हम 5 लेंगे। अब हम देखते हैं 5 का, अब देखिए यहाँ पर 5 है, तो देखिए अब हम 5 देखते हैं एफ आई वी ई 5, तो यहाँ पर ये 5 को करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, 1 1 2 3 3 3 है, डक यानी कि बत्तख 3 है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 3, ये 3 यहाँ होगा, अब टी एच आर डबल ई 3, तो ये रहा, तो इसे यहाँ पर जोड़ेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये देखिए 8 8 यहाँ पर आएगा, अब ई आई जी एस टी 8, ये रहा 8, तो इसे यहाँ पर मिलाएंगे हम। अब हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 6 बटरफ्लाई दी गई, तो ये देखिए 6 यहाँ पर आया, और ये देखिए एस आई एक्स 6, ये यहाँ पर मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, 1 2 3 4 4 दिए गए, तो ये देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 यहाँ से मिलेगा, और एफ ओ यू आर 4, ये रहा 4, इस तरीके से मिलाना है हमें। 1 और 2 1 और 2, तो 2 दिए गए ना, 2 लीफ यानी कि पत्तियाँ, 2 पत्तियाँ दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर 2 2, ये रहा, तो हम 2 मिलाएंगे, और टी डब्ल्यू ओ 2, तो ये रहा टी डब्ल्यू ओ 2, तो इस तरीके से हमें मिलाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 स्क्रीन है, तो यहाँ पर ये देखिए और एन आई एन ई 9, इस तरीके से ही हमें मिलाना है। पहले हम काउंट करेंगे और काउंट में ढूंढेंगे कितने हैं, तो वहाँ पर हम मिलाएंगे और फिर उनके नेम करेंगे, नेम को मैच करेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम, तो आइए बच्चों राइट द नंबर नेम। अब हमें इनके नेम्स लिखेंगे, अब देखिए 26, तो यहाँ पर 26 लिखेंगे, टी डब्ल्यू ओ टी वाई 26, तो देखिए यहाँ 26, तो टी डब्ल्यू ओ टी वाई 20 एस आई एस 6 26, तो 26 किस तरीके से आएगा वो आपको लिखना है, और यहाँ पर 4 लाइन दी गई है, पर 4 में नहीं लिखना है हमें, मैंने आपको बताया था राइटिंग बुक में कि किस तरीके से लिखना है हमें, उसी तरीके से लिखना है। अब हम आते हैं 46, एफ ओ आर टी वाई 4 टी वाई 40 एस एफ आई वी ई 5 45, तो यहाँ पर 45 आएगा। अब हम आते हैं 34, टी एच आई आर टी वाई 30 एफ ओ यू आर 4 एफ ओ यू आर 4, तो 34। अब हम आते हैं 15, तो एफ आई एफ टी डब्ल्यू एन 15, अब एफ 15 आएगा, एफ एफ आई एफ टी डब्ल्यू एन 15, तो हमें 15 लिखना है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर 43, तो 43 देखते हैं हम, अब हम 43 लिखेंगे, एफ ओ आर टी वाई 40 टी एच टी एच आर डबल ई 43, तो यहाँ पर 43 आएगा। अब हम आते हैं 31, तो 31 किस तरीके से 31, तो अब 31 लिखेंगे हम टी एच आई आर टी वाई ओ एन ई 1, तो 31। अब हम आते हैं 27, तो 27 हम देख सकते हैं, अब हम देखते हैं 27 किस तरीके से लिखा, तो टी डब्ल्यू ई एन टी वाई एस ई वी ई एन 27, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब 27, तो 27 की मीनिंग होगी टी डब्ल्यू ई एन टी वाई एस ई वी ई एन 27। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 26 बताया था और टी डब्ल्यू ओ आ गया था, पर टी डब्ल्यू ओ नहीं आता है वहाँ पर, गलती से निकल गया था वो ओ, पर टी डब्ल्यू ई एन टी वाई टी डब्ल्यू ई एन टी वाई एस आई एक्स 26 लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ओ नहीं लिखना है। अब हम आते हैं 46, एफ ओ आर टी वाई एस आई एक्स 46। अब हम आते हैं 28 पर,
तो देखिए आप 28 टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ई आई जी एस टी 28। अब हम आते हैं 42, तो एफ ओ आर टी वाई टी डब्ल्यू टू 42 इस तरीके से लिखा जाएगा ये। और मैंने आपको 20 की मीनिंग बताया, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ही आएगा। ओके, तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम।